नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में। साथियों, क्या आपके भी पेट में दर्द रहती है, गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, आप कुछ भी खाते हैं तो हजम नहीं होता है, खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा भी खाए पेट भारी हो जाता है, पेट में जैसे लगता है कि हमेशा दुखन सी महसूस होती है, पेट सही से साफ नहीं होता है, आप कुछ खाना चाहते हैं अंदर से आप मन तो करता है लेकिन पेट के अंदर ऐसा माहौल रहता है कि आप कुछ खाते हैं तो सही से हजम नहीं हो पाता, आपका वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आप बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। और यही चीज अगर आपके बच्चे में हो रही है तो और भी कठिन है, आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम बच्चे को क्या करें। और तो और, जब आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं तमाम तरह के इन्फेक्शन आते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं पेट की, तो आप उसमें पाते हैं कि मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी है, यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया, या यूं कह लीजिए कि आंतों की गांठें प्रोमिनेंट हो गई, आंतों में गांठ हो गया। तो और जब आप भागते हुए चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको और तरह तरह की बातें करता है, कहता क्या है कि भाई ये तो आंतों की गांठें हैं, ये आंतों में इंफेक्शन हो गया, बच्चे के आंतों में गांठें हो गई, अब क्या होगा? भाई देखो, ये हो सकता है आंतों की टीबी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये जल्दी ठीक ना हो, हो सकता है कि आंतों का सर्जरी करना पड़े। अब तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और तो और, अगर ये चीज आपके बच्चे में होता है तो बच्चे तो घर के प्यारे होते हैं, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। साथियों, अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है, आपको कंफर्म हो गया है कि आपको मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी है, यानी आंतों में गांठें हो गई, और ये जो सिम्टम बताया उसमें से लगभग सिम्टम आपके मैच कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको मुस्कुराना है कि अब इस समस्या का समाधान यूं कह लीजिए कि चुटकियों में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी बात, देखिए, कहने से पहले अगर हम आपको उस चीज के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दें, आपको पूरी तरह से आश्वासन दे दें कि जो मैं बातें कह रहा हूं हवा में नहीं कह रहा हूं। कहा जाता है प्रत्यक्षस्य किं प्रमाणम, तो अगर आपको इस बात को लेकर के शंका हो कि अरे भाई डॉक्टर साहब आप तो इस तरह की बात कर रहे हो, और डॉक्टर तो बताया है कि ये तो बहुत ही खराब चीज है, ये जल्दी ठीक नहीं होगी, मतलब तरह तरह की बातें आपको बताई गई, ऐसे में साथियों मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये पूरी तरह से प्रमाणिक बात है, और एक दो चार दस नहीं, ये हजारों प्रमाणों के साथ मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो, आपके बच्चे को इस तरह की समस्या हो, तो आपको सबसे पहले इस बात के लिए आश्वस्त होना है कि आपको करना क्या है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो आप अंदर से अपने आप को पॉजिटिव करिए कि नहीं, अगर ये समस्या है तो इसका समाधान है, और समाधान के लिए मैं साथियों बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के लिए, या यूं कह लीजिए कि आंतों में इंफेक्शन के लिए, आंतों में गांठों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। साथियों, हम भी जब इस बात को शुरू शुरू में जब प्रैक्टिस के दौरान इस तरह की चीजें आती गई, हमने जब अपने संघर्षों को एक नया आयाम देते हुए और जब इस तरह की समस्याओं को दूर किया गया और होती गई, दवाएं सेट होती गई, तो साथियों जब ऐसा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी, आप कहने लगे कि सर मेरे बच्चे को बिल्कुल आराम हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, देखिए मैंने ये जांच कराई थी तो ये रिपोर्ट था, अब जांच कराया है तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेरे बच्चे का वजन भी बढ़ गया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया,
आप अच्छे हो गए। तो साथियों, इस तरह से मेरा कारवां चलता गया। आज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको तमाम प्रमाण आपको देखने के मिलेंगे। अगर और विश्वास नहीं हो तो आप YouTube पर यही कहिए, बोलिए कि मिसेंट्रिक लिम्फेडनोपैथी डॉक्टर एस बी तिवारी या आंतों में गांठ डॉक्टर एस बी तिवारी, आप बोलिए अथवा टाइप करिए, आपको वीडियो आएंगी। आप खुद देखिए कि आपके साथ जो बातें की जा रही हैं वो क्या प्रमाणिक है अथवा नहीं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके इन प्रमाणों को आपकी बातों के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर, आपके एड्रेस पते के साथ आपकी प्रमाणिकता सिद्ध की जाती है। और हमें खुशी तो तब मिलती है जब आपके साथ मैं जब अच्छा करता हूं, आपको जब ठीक करता हूं, तो आप खुद कहते हैं कि सर मैं दूसरे के लिए एक मिसाल बन के सामने आऊंगा और मैं कहूंगा कि सर मेरे साथ कितनी परेशानी हुई थी और आपने बिल्कुल ठीक किया। साथियों, ये चिकित्सा जगत की सचमुच में एक बहुत ही पारदर्शी विधा कही जाएगी। आज जिस तरह से इस समस्या को लेकर के जरा कल्पना करिए, मैं बहुत ही साथियों प्रैक्टिकल बात करूंगा, इसलिए कि कहा जाता है कि वनली द हील नोज वेयर द शू पिंचेज, जिसके ऊपर पड़ती है वही समझता है। जरा सोचिए, आप ड्यूटी करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, घर में आपका बच्चा रो रहा है, बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, या कभी कभी बड़े को भी यह समस्या हो जाती है, पेशेंट घर पे लेटा हुआ है, कुछ खा नहीं पा रहा, पेट में कुछ भी खा रहा है दर्द हो रहा है, जांचें कह रही हैं कि मिसेंट्रिक लिम्फेडनोपैथी हो गई। जरा कल्पना करिए क्या गुजरेगी आपके ऊपर। ऐसे में जब आपको पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान है, और सबसे बड़ी चीज साथियों कि कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगना, ये भी बात है कि 3 से 4 महीने के अंदर आज हजारों मिसेंट्रिक लिम्फेडनोपैथी के पेशेंट जिन्हें आप देखिए, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपको दी जाती है। और साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि कुछ लोग तो बड़ा आनंद आता है साथियों, ऐसा लगता है कि वाकई अगर अपने कार्य को जिम्मेदारी से मन लगा के किया जाए तो कितना दिल में जगह बनाया जा सकता है। कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, कोई कर्नाटक से, कोई दूर दूर से जब ठीक हो जाते हैं लोग तो खुशी जाहिर करने के लिए आप से मिलने भी आते हैं। साथियों, ये तो पल जो होता है मेरे लिए सचमुच में साथियों जैसे ऐसा लगता है कि वाह, मतलब कितना अनूठा आनंद का वो पल होता है। साथियों, मैं इसी आनंद को लेने के लिए सदैव व्याकुल रहता हूं, आपके परेशानी को मैं सोचता हूं कि कितना जल्दी सही करूं। साथियों, मैं चलते चलते ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे को या आपको किसी को भी समाज में अगर इस तरह की समस्या डायग्नोस हो गई है, या जो मैंने सिम्टम बताया है, ये सिम्टम अगर आपको मिल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत होके अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए। खान पान आप सही रखिए। मैं यहां खान पान के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि खान पान अगर मिसेंट्रिक लिम्फेडनोपैथी की परेशानी है तो बच्चे को के ऊपर आपको रहम करने की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रभाव से उसके बाहर की चीजें, जो मैदे वाली चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, आप बिल्कुल बंद करिए। गुनगुने पानी का उसे जो है सेवन कराइए, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा उसे फाइबर वाली चीजें दें और आप तुरंत होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दीजिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह समस्या का समाधान अस्थायी रूप से होगा। किसी को कुछ भी कहने दीजिए, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इस समस्या के लिए निश्चित रूप से साथियों वरदान से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई तो आज आपको एक बहुत ही बल मिलने वाली जानकारी मिली है, और मैं इस बल को सदैव आपके आत्मबल में कन्वर्ट करके आपके साथ रहूंगा। आपकी किसी भी समस्या के लिए कल्याणम सेवा, किसी भी रूप में आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है।
आप फोन करके क्लिनिक की किसी भी ब्रांच में आकर के मिल लीजिए। आपको देखिए, आपको डिस्प्ले पे सारे ब्रांच का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप देखिए, मिलिए, कमेंट करिए, फोन करिए। और अगर आप दूर कहीं भी हो, इसके लिए को लेकर भी परेशान नहीं होना है कि मेरी दवा डॉक्टर साहब कहां से कैसे आएगी। साथियों, अपना डिटेल भेजिए, अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सएप करिए, आपकी रिपोर्ट देखी जाएगी, आप एड्रेस भेजिए, दवा घर भेजी जाएगी और पूरी जिम्मेदारी से आपको ठीक किया जाएगा। साथियों, आपको ठीक करके जो आनंद की अनुभूति होती है उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। आपकी इस आनंद के लिए मैं पुनः व्याकुल रहता हूं, आपके साथ सदैव रहता हूं। आपकी समस्या का समाधान ही मेरा उद्देश्य है। तो आपको YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी पे अपनी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे ही गुण रहस्य, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।